हाय गाइस, मैं उसदेश, आपका स्वागत है डाइवर्सिफाइड नॉलेज पर। गाइस, कैसे हो आप सब? तो आज हम आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्पुटनिक 1 वह पहली सैटेलाइट थी जो स्पेस में लॉन्च की गई थी। यह सैटेलाइट सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर 1957 को स्पुटनिक प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम में सर्जी कोरोलोव ने एज अ चीफ डिज़ाइनर काम किया था। इसरो ने इंडिया की पहली सैटेलाइट बनाई थी जिसे एक ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट का नाम दिया गया था। यह सैटेलाइट सोवियत यूनियन ने 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च की थी और जुलाई 18, 1980 को रोहिणी यह सैटेलाइट वह पहली सैटेलाइट बनी जो भारत ने बनाई और भारत में बनाए गए लॉन्च व्हीकल SLV-3 से स्पेस में लॉन्च की गई थी। सैटेलाइट्स जो डिस्टेंट प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करने के काम आती है उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स कहा जाता है। सैटेलाइट्स जो एनवायरनमेंट ऑब्जर्वेशन और मैप मेकिंग के काम आती है उन्हें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स कहते हैं। सैटेलाइट्स यूज टू मॉनिटर द वेदर एंड क्लाइमेट ऑन अर्थ आर कॉल्ड वेदर सैटेलाइट्स। क्या आपको पता है कि धरती के अराउंड अभी कितने सैटेलाइट्स हैं? तो इसका जवाब है करीब 2787 सैटेलाइट्स अर्थ को ऑर्बिट करती है, मतलब शायद इस समय करीब 2787 सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड होगी। आपको क्या लगता है कि पहले सैटेलाइट लॉन्च के बाद से अब तक टोटल कितने सैटेलाइट लॉन्च की गई होगी? तो पहले लॉन्च के बाद से अब तक करीब 8,900 सैटेलाइट्स 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज से लॉन्च की गई है। अभी हाल ही में 7 नवंबर 2020 को इसरो ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को सक्सेसफुली लॉन्च किया। यह सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C49 इस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया है। यह भारत के लिए एक और गर्व की बात है। सो हे फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।